नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में, जहां पर मैं मधु पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को MCQ वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है और इस चैप्टर का MCQ सेट 2 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री सिलेबस में है तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो या स्टेट PCS या SSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, अगर उसमें आपका हिस्ट्री सिलेबस में है तो ये बहुत ही लाभदायक होगा और मैं सभी एग्जाम के पैटर्न को इसमें समाहित कर रही हूं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालानुक्रम है? आपके ऑप्शन है ए बैटल ऑफ वांडीवॉस, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ प्लासी। ऑप्शन बी बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवॉस, बैटल ऑफ बक्सर। ऑप्शन सी बैटल ऑफ वांडीवॉस, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ बक्सर, या डी बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडीवॉस या बैटल ऑफ प्लासी। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि जो बैटल ऑफ अंबूर था वो 1749 में लड़ाई की गई थी और जो बैटल ऑफ प्लासी था वो 1757 में लड़ा गया, बैटल ऑफ वांडीवॉस 1760 में लड़ा गया और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेट करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, बैटल ऑफ अंबूर, फिर बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ वांडीवॉस और बैटल ऑफ बक्सर। तो जो हमारा बी ऑप्शन है बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवॉस और बैटल ऑफ बक्सर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वॉज डिफेटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवॉस इन 1760। उस फ्रांसीसी कमांडर का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवॉस की लड़ाई में हार गया था। आपके ऑप्शन हैं ए काउंट लेली, बी फ्रांसीसी मार्टिन, सी ड्यूप्लेक्स और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैटल ऑफ वांडीवॉस कब लड़ा गया था, 1760 में, और ये किसके बीच लड़ा गया था, ये फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था। फ्रांस के तरफ से काउंट लेली थे और ब्रिटिश की तरफ से सर आयरे कूट थे, और सर आयरे कूट ने ही काउंट लेली को बैटल ऑफ वांडीवॉस में हरा दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए काउंट लेली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन द बैटल ऑफ वांडीवॉस 1760, तो वांडीवॉस के युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन हैं ए फ्रेंच डिफीटेड ब्रिटिश, बी ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच और डी डच डिफीटेड ब्रिटिश। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। जैसा कि हमने अभी पुराने क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि जो बैटल ऑफ वांडीवॉस था वो फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, जो फ्रांस के तरफ से उसको लीड कर रहे थे काउंट लेली और जो ब्रिटिश थे उनके तरफ से लीड कर रहे थे सर आयरे कूट, और इसमें सर आयरे कूट ने काउंट लेली को हराया था 1760 में, और इसके बाद से ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे इंडिया में पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया था और फ्रांस को भारत छोड़ के जाना पड़ा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस बैटल ऑफ वांडीवॉस इन 1760 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। 1760 में वांडीवॉस की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ी गई थी। आपके ऑप्शन है ए द फ्रेंच, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटिक, ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर होगा, द फ्रेंच, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है ये आपको छांटना है। आपके ऑप्शन से ए बैटल ऑफ बक्सर, ये किस किस के बीच हुआ था, मीर जाफर वर्सेज क्लाइव। ऑप्शन बी बैटल ऑफ वांडीवॉस, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, सी बैटल ऑफ चिल्लानवाला, डलहौजी वर्सेस मराठा, या डी बैटल ऑफ खुर्दा, किसके बीच लड़ा गया था, निजाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड।
कि जो बैटल ऑफ बक्सर था वो 1764 में लड़ा गया था, और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, जो अलाइड फोर्सेस थी जो कि मीर कासिम थे, सुजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय थे, उनके साथ ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई थी और ब्रिटिशर्स को हेक्टर मुनरो ने लीड किया था। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है बैटल ऑफ बक्सर, ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि बैटल ऑफ वांडीवर्स, तो बैटल ऑफ वांडीवर्स 1760 में लड़ा गया था जो कि फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया था। तो ये जो बी है ये इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। बैटल ऑफ चिल्लान वाला ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये जो है ये 1849 में ये बैटल लड़ी गई थी और इसको ब्रिटिशर्स के साथ सिख आर्मी के बीच में ये लड़ाई हुई थी और सिख आर्मी को लीड कौन कर रहा था, शेर सिंह इस सिख आर्मी को लीड कर रहे थे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और जो चौथा है बैटल ऑफ खुर्दा, ये कब लड़ा गया था, 1795 में बैटल ऑफ खुर्दा लड़ा गया था और ये किस किस के बीच में था, मराठा और निज़ाम के बीच में लड़ा गया था और मराठाओं ने निज़ाम को हरा दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बैटल ऑफ वांडीवर्स फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसका सही सुमेलित जोड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिशर्स इन इंडिया विगोरसली, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। आपके ऑप्शन है ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूताना या डी सिख। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए मराठा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन 18th सेंचुरी बंगाल। पहला स्टेटमेंट, मुर्शिद कुली खान रिज्यूम्ड ऑल द जागीर एंड कन्वर्टेड देम इनटू खास लैंड। स्टेटमेंट टू, तकावी वर द एग्रीकल्चरल लोन्स ग्रांटेड टू पुअर कल्टीवेटर्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। 18वीं सदी के बंगाल में कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, मुर्शिद कुली खान ने सभी जागीरों को फिर से शुरू किया और उन्हें खास भूमि में बदल दिया। स्टेटमेंट दूसरा, तकावी गरीब किसानों को दिए जाने वाला कृषि ऋण था। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा कथन सही है ये आपको चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट 1 और 2, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मुर्शिद कुली खान ने सभी जागीरों को फिर से शुरू किया और उन्हें खास भूमि में बदल दिया, और दूसरा स्टेटमेंट कि तकावी जो था वो गरीब किसानों को दिए जाने वाला एक कृषि ऋण था। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। पहला स्टेटमेंट, इट वॉज साइंड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शुजाउद्दौला। स्टेटमेंट टू, इट वॉज साइंड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम द्वितीय। स्टेटमेंट थ्री, शाह आलम वॉज कमांडेड टू रिसाइड इन दिल्ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। दूसरा, ये रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। और तीसरा, शाह आलम को दिल्ली में रहने का आदेश दिया गया था। तो इसमें जो स्टेटमेंट पहला है और जो दूसरा स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो साइन की गई थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने शाहउद्दौला के बीच में और शाह आलम द्वितीय के बीच में इस ट्रीटी को साइन किया था। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है कि शाह आलम को दिल्ली में रहने का आदेश दिया गया था, यह गलत है क्योंकि शाह आलम को अलाहाबाद में रहने का आदेश दिया गया था। तो स्टेटमेंट 1 और 2 इज ओनली करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नवाब ऑफ बंगाल ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम ढाका बांग्लादेश टू मुर्शिदाबाद। निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को ढाका बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। आपके ऑप्शन है ए मुर्शिद कुली खान, बी अली वर्दी खान, सी शुजाउद्दीन, डी नादिर शाह, ई नॉट अटेम्प्टेड। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और इसका आंसर क्या होगा, ए मुर्शिद कुली खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कॉल्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी।
पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गोपाला, बी धर्मपाला, सी देवपाला, डी महिपाला। तो दसवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी महिपाल। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी महिपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इंफॉर्मेशन इन फॉर्मेशन ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से किसका बंगाल के गठन में महत्वपूर्ण योगदान था? आपके ऑप्शन है ए अली वर्दी खान, बी मुर्शिद कुली खान, सी जॉब चरनोक, डी असफ झा। तो 11वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अली वर्दी खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गिवेन द टाइटल ऑफ बुरहान उल मुल्क बाय द मुगल एम्परर? निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी? आपके ऑप्शन से ए सादत अली खान, बी नादिर शाह, सी अहमद शाह अब्दाली, डी सफदरजंग। तो 12वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सादत अली खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। हेनरी लुईस विवान डी जारियो वॉज एसोसिएटेड विद? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन से ए थियोसॉफिकल सोसाइटी, बी एशियाटिक सोसाइटी, सी इंडियन नेशनल कांग्रेस, डी यंग बंगाल मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा 13वें का? ऑप्शन डी यंग बंगाल मूवमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अली वर्दी खान वॉज अ नवाब ऑफ? अली वर्दी खान कहाँ का नवाब था? आपके ऑप्शन से ए डेक्कन, बी मालाबार, सी अवध, डी बंगाल। तो 14वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। शुजाउद्दीन वॉज द डैश नवाब ऑफ बंगाल? शुजाउद्दीन बंगाल के डैश नवाब थे। आपके ऑप्शन से ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड या डी फोर्थ। तो 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेकंड। शुजाउद्दीन बंगाल के दूसरे नवाब थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। हु इज कॉल्ड अकबर ऑफ बंगाल? बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन हुसैन शाह, बी नसरुद्दीन नसरत शाह, सी अलाउद्दीन फिरोज शाह द्वितीय, डी गयासुद्दीन महमूद शाह। तो 16वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हुसैन शाह को ही अकबर ऑफ बंगाल या बंगाल का अकबर कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द अलाहाबाद ट्रीटी? अलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? आपके ऑप्शन से ए मोहम्मद रजा खान, बी शिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन, ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान। और ये कब किया गया था? जब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन की गई थी 1765 में, तो उसके बाद मोहम्मद रजा खान को ही रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन वॉज इनेक्टेड इन 1720 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू बैन द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया कॉल्ड चिज्ड इन इंग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सा कानून 1720 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मुद्रित सूती वस्त्र जिसे इंग्लैंड में चिट्स कहा जाता है के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए द कॉटन एक्ट, बी द कैलिको एक्ट, सी द चिट्स एक्ट, डी द इंडिया ट्रेड एक्ट या ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो 18वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी द कैलिको एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का सिद्धांत प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी वॉरेन हेस्टिंग
या ई none of the above. तो 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी. कई बार एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 20. रीड द स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. Assertion A. The English East India Company made enormous profit by Indian trade. Reason R. They collected revenues from Indian peasant and jamindar to buy Indian textile. कथन A और R पढ़ें और सही विकल्प चुनें. दावा A. अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत व्यापार से भारी मुनाफा कमाया. कारण उन्होंने भारतीय कपड़ा खरीदने के लिए भारतीय किसानों और जमींदारों से राजस्व एकत्र किया. आपके ऑप्शन हैं ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. या सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. या डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. या ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव. तो बीसवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ए इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 21. इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी ऑफ बंगाल. ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? आपके ऑप्शन से ए 1773, बी 1791, सी 1765, डी 1782. तो 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1765. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 22. हु ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडिया इन द मिड 16th सेंचुरी. 16वीं शताब्दी के मध्य में भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? आपके ऑप्शंस हैं डच क्लॉथ मर्चेंट, बी ब्रिटिश ट्रेडर, सी पोर्चुगीज मिशनरीज, डी अरब मैन्युस्क्रिप्ट राइटर. तो 22वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पोर्चुगीज मिशनरीज. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 23. अरेंज द फॉलोइंग नवाब्स इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. यहाँ पर आपके सभी बंगाल्स के नवाब दिए गए हैं और इन्हें क्रोनोलॉजी में आपको असाइन करना है. पहला शुजाउद्दीन, दूसरा सरफराज खान, तीसरा अली वर्दी खान, चौथा सिराज उद्दौला, पांचवा नजाम उद्दौला. तो 23वें का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग. 23वें का आंसर क्या होगा? इसके लिए आप सभी को क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए. तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले सुजाउद्दीन ही आए थे, उसके बाद सरफराज ही आए थे, उसके बाद अली वर्दी खान ही आए थे, फिर सिराजुद्दौला थे और उसके बाद निजामुद्दौला थे. तो जो ऑप्शन बी है 1, 2, 3, 4 and 5 इज द करेक्ट आंसर. ये सारी क्रोनोलॉजी एक के बाद एक ही आई हुई है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 24. अरेंज द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर ऑफ कलकत्ता इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कलकत्ता के निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें. ऑप्शन ए वेंसिटार्ट, दूसरा वेलर सस्ट, तीसरा ड्रेक, चौथा वारेन हेस्टिंग, पांचवा कार्टियर. तो 24वें का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग. सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले ड्रेक आए थे, उसके बाद वेंसिटार्ट आए थे, उसके बाद वर्लस्ट आए थे, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आए थे, सॉरी उसके बाद कार्टियर आए थे और फिर सबसे लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग आएगा. तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग. 3, 1, 2, 5, 4. सबसे पहले कौन आएगा? ड्रेक, फिर वेंसिटार्ट, फिर वर्लस्ट, फिर कार्टियर और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग. तो ऑप्शन सी 3, 1, 2, 5 and 4. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीर जाफर इज आर नॉट ट्रू. अब इसमें से जो स्टेटमेंट मीर जाफर के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है वो हमें छांटना है. पहला स्टेटमेंट, आफ्टर ही वॉज मेड द नवाब बाय द ब्रिटिश ही ग्रांटेड them the right to free trade in Bengal, Bihar and Odisha and also the jamindari of the 24 parganas. मीर जाफर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, अंग्रेजों द्वारा उन्हें नवाब बनाए जाने के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार और 24 परगना की जिम्मेदारी भी दी थी. दूसरा स्टेटमेंट, हिज एफर्ट टू रिप्लेस द ब्रिटिश बाय द डच एंडेड इन फेलर
विद द डिफीट ऑफ द लेटर बाय द फॉर्मर एट बेदारा। अंग्रेज के स्थान पर डचों को लाने के उनके प्रयास बेदारा में डचों की हार के साथ विफल हो गया। या तीसरा, ही वॉलंटरली एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। उन्होंने स्वेच्छा से अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। या चौथा, ही वॉज द दीवान ऑफ सिराजुद्दौला बिफोर द बैटल ऑफ पलासी। पलासी के युद्ध से पहले वह सिराजुद्दौला का दीवान था। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने स्वेच्छा से अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्यागा था, ये गलत स्टेटमेंट है। और जो चौथा स्टेटमेंट है कि पलासी के युद्ध से पहले वह सिराजुद्दौला का दीवान था, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें गलत है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर ICS को। ऐसे ही और भी कई सारे MCQ क्वेश्चंस आते रहेंगे और सारी हिस्ट्री MCQ वाइज कवर करा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।